का अल्ट्रासाउंड करवाया था, वहाँ पर जानकारी मिली कि 3 बच्चे हैं। फिर सुबह 8 बजे जो है एक बच्चा खत्म हो चुका, फिर अस्पताल ले जाएगा CSH, वहाँ पर 4 हुए। ये कहाँ के रहने वाले हैं? कुतलेपुर। तो पहले नहीं जानकारी थी? पहले जानकारी 3 बच्चे की हुई थी। अच्छा, 7वां महीना चल रहा है। बच्चे कौन कौन है, क्या क्या है, मतलब कितने बच्चे हैं, लड़के कितने? 3 लड़की है, 2 लड़के। सभी स्वस्थ हैं? हाँ। ये भी स्वस्थ हैं? हाँ। ये विश्वास नहीं था कि 5 बच्चे ऐसे होते हैं? विश्वास नहीं था। पहले कभी ऐसा सुना है, देखा? नहीं देखा, 4 बच्चे देखे हैं। हाँ, लेकिन 5 पहली बार देखे। अगर किसी पेशेंट का जेनेटिक बैकग्राउंड है, मतलब उसके परिवार में उसकी मम्मी को, उसकी नानी को अगर ऐसे ट्विन्स प्रेगनेंसी या एक से ज़्यादा बच्चे गर्भ में रहे हैं, तो उस महिला को भी थोड़ी सी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उसको भी एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी हो, बच्चे हो एक प्रेगनेंसी में। तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर वो ओल्डर एज ग्रुप, अगर वो थोड़ी महिला 35 साल से ज्यादा की उम्र की है, 40 साल की है या 42 साल की है, मतलब कोई भी उम्र जो 35 साल के बाद की है, तो उसमें भी मल्टीपल प्रेगनेंसी के ज्यादा चांसेस होते हैं। तीसरा ये है कि अगर किसी भी महिला के बच्चे, उनके 5 से ज्यादा प्रेगनेंसी हुई है, तो उसमें भी फिर ये मल्टीपल प्रेगनेंसी होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो अब आपने मुझे पूछा कि अगर ये ऐसी प्रेगनेंसी है तो इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला तो ये है कि जैसा कि एक महिला को अगर एक बेबी है, तो उसका जो पेट का साइज है या गर्भ का साइज है वो उसी हिसाब से बड़ा होता है, लेकिन अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो जो नॉर्मल गर्भ का साइज होना चाहिए उससे वो थोड़ा बड़ा होता है, मतलब क्योंकि उस गर्भ में 2 या 3, 4 जितनी भी प्रेगनेंसी है उसके हिसाब से उसका साइज भी बढ़ जाता है। दूसरा ये है कि वो जो प्रेगनेंसी है वो एक अंडे के वजह से है या एक अंडे से एक भ्रूण बना, एम्ब्रियो बना और वो बाद में 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो दो तरीके से होती है कि या तो उस महिला के अंडे ही 5 बने और 5ों अंडे स्पर्म से फर्टिलाइज हुए और उसकी वजह से 5 प्रेगनेंसी हो गई, या फिर उसके महिला के 3 एग थे जिसमें कि फर्टिलाइज होके वो एम्ब्रियो बना, भ्रूण बना और वो ट्विन्स में, 2 ट्विन्स में डिवाइड हो गया, एक सिंगल रहा, या फिर एक एम्ब्रियो 5 में डिवाइड हो गया। ऐसे ये एक सिचुएशन हो सकती है जब एक प्रेगनेंसी में 3, 4, 5 बेबीज होते हैं।